बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम शिकायत के साथ मैं हूं इजाज़ जोगर। नाज़रीन, तब्दीली 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 के नारे तो लग रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई है यहाँ पे जनाब, तो पूरे पाकिस्तान में जो आवाम है उनको मैक्सिमम रिलीफ दिया जाएगा, नौकरियाँ दी जाएगी, हेल्थ के अंदर बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जाएगी। आज हम कसूर में आए हैं, यहाँ पे आज दो तीन स्टोरियाँ हम डिस्कस करेंगे। एक तो बहुत ही डेंजरस स्टोरी है जो हम आफ्टर ब्रेक आपको जो है दिखाएंगे। इस वक्त मैं DHQ हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। यहाँ पे हमने मेरा अगर कैमरा मैन दिखा सके साथ साथ फुटेज, तो यहाँ पे गंदगी के ढेर, यहाँ पे आलूदगी, यहाँ पे आग लगाना माहौल याद के लिए बहुत खतरनाक है। यहाँ पे आग लगाई जा रही है, यहाँ पे नौमलूद बच्चों की लाशें, डेड बॉडियाँ मिल रही हैं DHQ हॉस्पिटल के अंदर से। ये मैं इस वक्त एमरजेंसी मौजूद हूँ और यहाँ पे इस हॉस्पिटल के जो DMS साहब हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। DMS साहब, आपका नाम क्या है? डॉक्टर फयाज अहमद। डॉक्टर फयाज साहब भी मौजूद हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये काउंटर है जहाँ पे पर्ची ली जाती है। ये एक मिनट साइड पे हो जाएगी, एक मिनट साइड पे हो। ये पर्ची है जी, क्या यहाँ पे आप पर्ची लेने आए हैं? कितनी देर से है? अभी एक मिनट हुआ है। कितने पेशेंट आते हैं जी डेली? तकरीबन 2 बजे के दरमियान में 1500-2000, मतलब 1500-2000 पेशेंट आते हैं, मतलब इवनिंग नाइट के दरमियान में हो सकता है, लेकिन हमारे पास 300-400। अपनी ड्यूटी की बताएं ना, आपकी ड्यूटी में कितने आते हैं? हमारी ड्यूटी में चार से पाँच सौ। आप कितने कह रहे हैं? 400-500, मतलब टोटल जो कह रहे हैं वो इतने कह रहे हैं। टोटल आ रहे हैं। आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? नहीं भाई, पर्ची लेने में कोई खवातीन के लिए थोड़ा सा अलग छोड़ दें यार, खवातीन के लिए इतना तो एहतराम करते हैं ना यार, आप कहा करें ना खवातीन का इतना एहतराम तो होना चाहिए अलग से हो। अगर कोई पैसा ले रहे हैं यहाँ पे? नहीं नहीं कोई। अच्छा, ये तो गुड हो गया। ये डॉक्टर साहब पहला फर्स्ट प्रोसेस हो गया कि एमरजेंसी में आएगा यहाँ पे, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस के बाद ये होता है कि यहाँ से पर्ची बनती है। दो तरह का होता है कि अगर तो बहुत सीरियस पेशेंट जो होता है वो डायरेक्ट वार्ड में चला जाता है, वार्ड में होता है, पर्ची यहाँ से बनती है, डॉक्टर जाके वहाँ चेक करते हैं। जिस तरह ये पेशेंट खड़े हैं जिनका इतनी माइनर प्रॉब्लम होते हैं, यहाँ से पर्ची बना के यहाँ पे, तो आप साथ चले जी हमें दिखाएं। ये हमारा कमरा है, पर्ची बनाने के बाद यहाँ पे हमारे दो डॉक्टर जो है ना हर वक्त मौजूद होते हैं जो पेशेंट्स को चेक करते हैं। चेक करने के बाद पेशेंट को मेडिसिन लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू सीवीटी वो अंदर वार्ड में उनको मेडिसिन लगती है। डॉक्टर फैसल, मेडिसिन फ्री होती है गवर्नमेंट की तरफ से? यहाँ पे हमारे पास इमरजेंसी में जो मेडिसिन है टोटल फ्री है, हर पेशेंट के लिए अवेलेबल भी है और फ्री मिलती है। तो बाकी वार्ड के अंदर जो पेशेंट एडमिट हो, इंडोर टोटल फ्री है। जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के पेशेंट्स होते हैं उसमें ये होता है कि 5-10% जो मेडिसिन होती है वो कुछ माइनर डिजीज होती हैं जिनकी अवेलेबिलिटी हर जगह पूरे पंजाब में नहीं है। इंडोर इमरजेंसी टोटल फ्री है। अच्छा, यहाँ पे एक आम रवाज बना हुआ है, क्या कसूर DHQ में भी है कि जो महंगी मेडिसिन होती है वो लिख के दे दी जाती है बाहर से लेने, बाकी जो सस्ती मेडिसिन होती है अंदर से दे दी है, यहाँ पे अलग है कोई? मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे मेडिसिन मरीजों को 100% इमरजेंसी इंडोर में फ्री में मिल रही है, तो डॉक्टर हमारे लिख ही नहीं सकते बाहर के लिए, लिख नहीं सकते। ठीक है, हमारे यहाँ पे डिप्टी ब्यूरो चीफ, हमारे यहाँ पे नुमाइंदे जो देख रहे हैं, मेहर अब्दुल रहमान साहब मेरे साथ मौजूद है। मेहर साहब, आप बताइएगा, आप बड़ी गहरी नजर रखते हैं, पिछले दिनों नॉर्मलूद बच्चे, 2-3 डेड बॉडियाँ भी मिली, डॉक्टर साहब कह रहे हैं टोटल मेडिसिन फ्री है जी, हम लिख ही नहीं सकते, आप क्या कहते हैं सर? ये डेड बॉडियों की अगर बात करें तो पिछले दिनों में एक डेड बॉडी मिली है इधर डेल्सी यूनिट की बैक साइड पे, और उससे कुछ 6 माह कबल इधर से एक डेड बॉडी मिली थी, मगर उन दोनों डेड बॉडियों पर ना कोई पुलिस ने एक्शन लिया ना यहाँ की इंतजामिया ने एक्शन लिया। अगर बात करें आप हॉस्पिटल की, तो यहाँ पे हमने बार बार इनको कहा है कि ये लाइन सिस्टम ख़त्म किया जाए, जो भी मरीज आता है वो डायरेक्ट अंदर जाए। अभी लाइन में खड़ा, अगर एमरजेंसी है तो एमरजेंसी का मरीज पहले आधा घंटा लाइन में खड़ा होता है, उसके बाद डॉक्टर साहब के पास। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा इख्तलाफ आपसे कर लेता हूँ, अगर वो डायरेक्ट जाएगा तो जाहिर है डॉक्टर्स ने चेक करना है वो नंबर के बगैर। हाँ, उसमें ये है कि अगर कोई इंतहाई सीरियस पेशेंट है तो उसको डायरेक्ट लेके जाया जाए। सर, इससे पहले ये ऐसे ही चलता रहा, आप उस बात को भी देखें ना, इमरजेंसी को देखें, डॉक्टर ऑन कॉल जाते हैं उधर, अगर एक डॉक्टर रही इमरजेंसी वार्ड के अंदर मौजूद, जैसे पेशेंट है उसको चेक किया जाना चाहिए। दूसरी बड़ी बात जो यहाँ पे देखने में आ रही है, यहाँ पे क्वालिफाइड डिस्पेंसर जो है वो वार्ड के अंदर काम नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पे जो डिस्पेंसर जो है वो क्वालिफाइड नहीं है अंदर, बिल्कुल नहीं, आपको कोई भी नहीं मिलेगा।
ये वो है जगह जहाँ पे आपका माइनर ट्रामा सेंटर है, जहाँ पे एक्सीडेंट वाले केस आते हैं। यहाँ पे डॉक्टर भी चेक करके, यहाँ पे हमारे सीनियर तरीन स्टाफ है, वो उनको और स्टूडेंट साथ है। ये सीनियर सर स्टाफ है। आप बेटा नीचे उतारे, आप क्वालिफाइड डिस्पेंसर हैं? अभी स्टूडेंट्स हैं। अभी स्टूडेंट हैं आप? ये आप सीनियर कह रहे हैं। एज कितनी है आपकी? 18। क्वालिफिकेशन? FSC मेडिकल। अभी वो कर रहे हैं आप उसमें डिस्पेंसर कोर्स कर रहे हैं? जी सर। कितनी देर होगी कर? दो माह हो गए आपको? मैं डिस्पेंसर कर रहा हूँ स्टूडेंट। कितनी देर होगी? तकरीबन 3 माह हो गए मुझे। कहाँ से कर रहे हैं? यहीं से कर रहे हैं। एज क्या आपकी? आप मेरी है तकरीबन 18। क्वालिफिकेशन? FSC। सर ये खुद डॉक्टर साहब आप देख ले, ये एक घिनौना जुर्म है जो हॉस्पिटल के अंदर हो। ये गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स हमें दिए जाते हैं, इनको स्टूडेंट्स को भी हमने ट्रेन करना होता है। ठीक है, लेकिन इस पेशेंट को, ये पेशेंट जो लेटी हुई है, इसको दो माह जिसको हो गए हैं, जिसको इंजेक्शन भी नहीं लगाने आता, वो गलत इंजेक्शन लगा दे, उसकी डेथ हो जाए, तो कौन जिम्मेदार? मेरे से ना, इनके साथ हमारे वार्ड की सीनियर तरीन स्टाफ खड़ी हुई थी, आपके कैमरे में भी हुई थी। जो हम देख रहे थे वो बच्चा चेक कर रहा था, सीनियर स्टाफ सिर्फ खड़ी हुई थी। आप आगे आगे चेक करवा दें। ड्रिप वगैरह भी लगाई हुई है, तो आप कह रही है तो इसका सिटी स्कैन हो गया है 1 घंटे के अंदर। यहाँ पे ये फालिज का अटैक जो हुआ है, ये फौरन तो नहीं बोलेंगे, बहुत टाइम लगेगा। दुआ करें इनकी जान बच जी। तो इस तरह जो आते हैं पेशेंट, उनको जाहिर है डॉक्टर मसीहा होते हैं, उनको सेटिस्फाइड भी करना होता है, मुतमिन भी करना होता है। हालांकि चले उनको ट्रीटमेंट दी जा रही है, लेकिन वो मुतमिन नहीं है। तो ये क्यों मुतमिन नहीं है? क्योंकि एक पेशेंट के साथ 5 अटेंडेंट है, जिनसे मेरे से बात की है, वो बंदा ही नहीं है इधर। अब डिफरेंट वो रोटेट एमरजेंसी के अंदर तो ये अवेयरनेस देनी चाहिए कि पेशेंट के साथ एक बंदा ही होना चाहिए, रश होगा तो दूसरे पेशेंट जो है कैसे आएगा जब आपके पास गार्ड होंगे? हमने गार्ड इशू ये है कि सर हॉस्पिटल में सिक्योरिटी नहीं है। अगर मरीज के साथ एक बंदा आता है ना, डॉक्टर उसको काउंसलिंग करते हैं अच्छी तरह, होता है कि एक मरीज के साथ 10-10 लोग। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे बजाय पेशेंट को हम डिस्टर्ब करें, बाहर खड़े होकर बात कर लेते हैं ताकि पेशेंट डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ पे आपकी ड्यूटी सिर्फ यहाँ पे ब्लड प्रेशर चेक करना है? मेरा पूरे वाइटल बीपी चेक करना है, टेम्परेचर चेक करना है, पल्स चेक करनी है। ठीक है, हाँ मैं टोटल। सिर्फ काउंटर पे करते हैं या वार्ड के अंदर जाकर? नहीं, मैं वार्ड मतलब अलहदा है, ये अलहदा है। ठीक है, आप यहाँ तो ये तीन जो आपने रखे हुए हैं बीपी ऑपरेटर जो है, इनका मुख्तलिफ काम है या एक ही है? एक ही काम है, ये आउट ऑफ ऑर्डर है, लिखा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, ये चल रहे हैं। ठीक है, इसका अगर कप कोई बहुत बड़ा हो तो फिर कप चेंज कर लेते हैं। ये दोनों ठीक काम कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अब बात रिकॉर्ड रूम की हो रही थी, तो हमें जरा विजिट करवा दे रिकॉर्ड रूम का। जी ये तो थे इमरजेंसी के हालात, जहां पे जो डिस्पेंसर है वही क्वालिफाइड नहीं है, वहां पे जो सिचुएशन थी कि पेशेंट लाए गए और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो मैं समझता हूँ कि कमी है यहाँ पे, और जिनको जो सीरियस पेशेंट है उनको ज़रूरत है देखने की, वो आपके सामने के अटेंडेंस जो है वो चेक कर रहे हैं। ये एक यहाँ पे मेरे साथ नौजवान है, कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे थे? सर वो सामने मुसाफिर खाना, उन्होंने वाशरूम का पानी बांध, तकरीबन 3 माह तो जाकर उसकी हालत देख लो कितनी गंदगी होते। आप 3 माह से यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सर मेरा रिक्शे का काम है, मैं आना जाना इतने होता मेरा लगा रहता मरीजों के लेके आते, क्योंकि जाकर से देख लो जो सूरत आ लगी थोड़े सामने है। 3 माह से पापा ने मास। हाँ जी। क्यों जी, आप क्या कहते हैं? सर वो सामने बिल्कुल, तो हम दिखा देते हैं, वो दिखा देते हैं। आप क्या कहते हैं जी, यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर सब कुछ ठीक है? ये ठीक होता तो ऐसे लोग यहाँ तड़प ना रहे होते और यहाँ पे बच्चे ना मिलते। ऐसे 2-3 बच्चे जो हैं वहाँ पे मिले हैं, आपको पहले भी दिखाया है, पीछे रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, पीछे देखा आपने। ठीक है, और गंदगी के ढेर भी आपने देख लिए हैं। ठीक है, 36 करोड़ रुपया इधर लगाया गया है। ठीक है, पहले यहाँ पे सिर्फ ईंटें बदली गई हैं और यहाँ पे कुछ नहीं बदला गया। डॉक्टर साहब, आप DMS हैं यहाँ पे, आप सीनियर डॉक्टर हैं यहाँ पे, आप जवाब दे हैं यहाँ पे, आप ज़रा हौसले से तसली से मेरा सवाल सुन लीजिएगा, उसका फिर स्टेप वाइज जवाब दीजिएगा। आपके हॉस्पिटल के अंदर
एक नर्स इतनी बात सर कि प्राइवेट क्लिनिक बनाया हुआ है। अच्छा वन बाई वन जवाब देते जाइएगा। सेकंड जो है, यहाँ पे नौमलूद एक नहीं हुआ, यहाँ पे कई दफ़ा नौमलूद बच्चों की यहाँ पे डेड बॉडियाँ मिली जिनके ऊपर स्टैम्प भी DHQ हॉस्पिटल की लगी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे रिकॉर्ड रूम जो है वो बाहर पार्क के अंदर कचरे कूड़ा क्रिकेट जो ढेर है उसके अंदर पड़ा हुआ है। यहाँ पे गंदगी इंतहाई ज्यादा है। यहाँ पे मरीज जो है वो सेहत याब होने के लिए आते हैं या बीमारियां लेके घर जाने के लिए आते हैं, इसका जवाब है। पहली बात जो आपने स्टाफ की क्लिनिक की बात की, क्लिनिक मेरे ख्याल में तो हॉस्पिटल में तो किसी की स्टाफ की क्लिनिक ना है, नहीं किसी ने अलो किया। सर क्या नाम है उसका बताइएगा, वो जो नर्स है जिसका अंदर जी, वो जो उसका प्रॉपर नाम नहीं पता, वो है नुसरत मजीद गालबर, उसकी बेटी है। सर वहाँ पे किसी किस्म की ये आप क्या है, ये मेरी बात सुनिए एक मिनट सर, सिर्फ ये बता दें ये है क्या, ये क्या है, मैं क्योंकि आप मेडिकल। सर मैं वही देख रहा हूँ, देखूंगा तो बताऊंगा ना। ये जितनी भी आप रिपोर्ट्स मुझे दिखा रहे हैं ये हमारे हॉस्पिटल के हैं ही नहीं। आपके हॉस्पिटल के नहीं है? तो ये आपके हॉस्पिटल के रिकॉर्ड रूम में क्या कर रहे हैं ये? अब मुझे नहीं पता कि आपने कहाँ से आते, मगर ये रिपोर्ट्स हमारे रिकॉर्ड रूम आपके ये जो ये बिल्डिंग सर, ये जो बिल्डिंग है इसकी बैक पे चले, बैक पे पार्क के अंदर वहाँ पे अलमारियाँ टूटी हुई हैं, वहाँ पे आपका स्टाफ जो है वहाँ पे उसके अंदर से निकाल रहे थे ये फाइलें, हम ऊपर से हैं तो वो भाग गए। ये देखें इसमें ना DHQ लिखा हुआ ना हमारी रिपोर्ट्स हैं। दूसरी बात ये कि ये अलमारियाँ टूटी हैं, हॉस्पिटल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उसमें ये प्रोसेस अभी लगना है। जी जी आगे आगे। उसने कहा मैं हम काम नहीं करना आपका, मैं उसे सवेर 7 बजे का आकर वहाँ पर खड़ा। उन्होंने कहा है? उन्हें नर्स ने कह दिया, डॉक्टर साहब को मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ चले, उसने सबको लड़े नहीं डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब अच्छा मरीज मार रहा है, जहाँ चेक करो मरीज उन्हें चाटे के पौ कहाँ पे है मरीज कहाँ पे? अच्छा अच्छा एक मिनट, अच्छा गुस्सा नहीं करें डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह करेंगे। इनका इनको सांस होना, मरीज मारा है, मेरी सिस्टर है मार रही है सवेर की, मैं यहाँ आया हूँ और सुबह से आया हूँ 7 बजे से। चले जरा इसको देख ले पेशेंट को, कैसे आए चलते चले यार चले डॉक्टर साहब करते। एक मिनट मुझे मौका दीजिएगा। ये कैमरा मैन दिखाया जी, यहाँ पे लिखा हुआ है शिकायत यहाँ दर्ज की जाती है, लेकिन यहाँ पे बंदा मौजूद ये शिकायत है। आगे क्या कह रहे हैं आप? आपका काम नहीं करना, मैं अभी आप मुझसे पैसे ले लें, आपका काम नहीं करना, ना आपका करना ही नहीं है, आप जाए आप बाहर निकले। तो ही नहीं ना दी, फिर मेन क्या डिस्पेंसरी जो अड्डा आपका मेन क्या हो जो आपकी? डॉक्टर साहब ये दो अभी जो है इनके मसाइल कैसे? अच्छा भाई डॉक्टर साहब को करने देना भाई का, मैं मेरे पास अभी है इसका मसला जो भी है, पहले तो मसला हम सुनते हैं उसको फौरन सलूशन। डॉक्टर साहब मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद इनका मसला सुनते हैं और हल करते हैं, ऑन द स्पॉट ये होगा और आपको वो रिकॉर्ड दिखाएंगे जहां पे यहां हॉस्पिटल का रिकॉर्ड जाया हो रहा है। मिलते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, DHQ कसूर में शिकायत के अंबार DMS साहब डॉक्टर वकार साहब बड़ी बहादुरी से उनका फेस कर रहे हैं, लेकिन वो क्या करें डॉक्टर साहब, यहाँ पे 36 करोड़ रुपया जो है वो बिल्डिंग पे कभी इधर से ईंट इधर कभी इधर से, 2 साल पहले भी हम आए थे तो काम जारी था, अब पता नहीं वो 36 करोड़ कहाँ जाना है। यहाँ पे इस हॉस्पिटल में बता दूँ कि साबिक वजीर अला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी एक कोस्टल के अंदर बैठ के यहाँ विजिट कर गए, लेकिन ये टस से मस हमला नहीं हुआ। दूसरी तरफ मैं बताऊँ कि नई आने वाली हुकूमत वजीर अला पंजाब जो नए हैं सरदार उस्मान खान बुजदार साहब और आपकी मिनिस्टर हेल्थ जो बड़ी एक्टिव है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, वो भी यहाँ पे एक दिन रात के टाइम दराज की तारीखी में यहाँ विजिट कर चुकी हैं, लेकिन समझ से बालातर बात है कि ये अमला यहाँ का स्टाफ जो है डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ क्यों नहीं समझ रहे इस बात को कि ये मरीज जो है ये हमारे बुजुर्ग जो है असासा है हमारा, इस मुल्क के लोग हैं, ये यहाँ पे इलाज मुआलजे के लिए आते हैं ना कि यहाँ पे खज्जल खराब होने के लिए आते हैं। यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं जी?
ठीक है जी, कितना है आप पेशेंट नहीं है, आप आज आप क्या पेशेंट नहीं है, मैं जोधा भी आना ठीक हो रहा काम। यहाँ पे मिला जुला रहते हैं मलाय, सिर्फ हम इसको नेगेटिव ही नहीं ले सकते जी। आप कोई बात ही नहीं सुनता, कोई काम ही नहीं होता वक्त पे। मतलब ये मैं तो फिर ये कहूँगा कि अगर सब कुछ डॉक्टर साहिबान सब कुछ अच्छा कह रहे हैं तो ये बुजुर्ग हैं, इनके देखें वो कह रहे हैं जी कि यहाँ पे बात ही कोई नहीं सुनता। ये एक माँ जी आई है, माँ जी एक मिनट दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, तुहाडा की मसला है? इधर कैमरे वाले देखो, उधर देखो, माँ जी किन्नी देर तो बैठे हो, किन्नी देर तो बैठे हो? दिमाग मेरा पुत्र बड़ा सोना बड़ा घूमता है। माँ जी मुझे डीएमएस साहब, आप बड़ी बहादुरी से फेस कर रहे हैं, आपको एक सीनियर डॉक्टर भी आए कि छोड़े यार ये क्या ड्रामा लगाया हुआ है, लेकिन आपने कहा जी मैं फेस करूंगा, ये मैं दूंगा, लेकिन उन लोगों को यहाँ पे वो लोग उनको शर्म आनी चाहिए जो अपनी सीटों पे बैठे हुए काम नहीं कर रहे। आप तो बहादुरी से सामना कर रहे हैं, ये माँ जी देखें। आप माँ जी थोड़ी उम्र कितनी जी? मेरा पुत्र मतलब ये 80 के प्लस होंगी मुझे लगता है। वो उनके मेदे में है, उनको मोशन लगे हुए हैं, वो सुबह से दलील हो रही है, पूछ कोई नहीं रहा है डॉक्टर साहब, ये क्या हो रहा है यहाँ हॉस्पिटल के अंदर? बात ये है कि अपना होना चाहिए। आप बोले छोड़ दे सर। बात ये कि पेशेंट सारे चेक हो रहे हैं, आपके हर कमरे में डॉक्टर हमारे बैठे हुए हैं, आप ये जिस कमरे के बाहर खड़े हुए यहाँ पे भी दो डॉक्टर बैठ के मरीज चेक कर रहे हैं। 500 पेशेंट आते हैं एक जनरल आउटडोर में, उनमें चेक करने में टाइम लगता है, किसी को 5 मिनट लगता है, किसी को। डॉक्टर साहब माँ की कदर को आप समझते हैं? बिल्कुल। फिर फौरन हुक्म जारी करें इस माँ जी का, अभी किसी को बुलाएं कि इनका फौरन चेक करवा। आप यहाँ पे एम्प्लॉय है? नहीं जी, प्राइवेट पब्लिक कंप्लेंट हूँ। अच्छा, तो आपने किसको एप्लीकेशन दी हुई? एमएस साहब को दी है। एमएस साहब ने एक फेक थी मेरी अपना बना के खुद ही कि जी कंप्लेंट जो है विड्रॉ करके। क्या हो रहा है? मेडिसिन चोरी, रिकॉर्ड जो है वो पार्कों में कचरे का ढेर, डॉक्टर सीट पे मौजूद नहीं है, ये डॉक्टर मौजूद नहीं है सीट पे, तो कहाँ पे जाए लोग? डॉक्टर सात वाले कमरे में हो गए। ये पेशेंट कहाँ पे है दिखा दें? चलें जी दिखाएं जी। अगर वो सात वाले कमरे में है तो यहाँ पे लाइनें क्यों लगाई हुई? यहाँ पे लाइनें क्यों है? ये देखें जी, वो लॉक है, पेशेंट किसके पास होते हैं तो आप इधर होती नहीं, दरवाजा खोल। अब डॉक्टर मौजूद नहीं है, अब आपके सामने आप डीएमएस हैं, हम आते तो फिर गलत था, यहाँ पे मौजूद नहीं। क्या कह रहे हैं जी आप? स्टाफ है उसी नाल दे कमरे छुपे हुए हैं। डॉक्टर साहब आप मतलब माशाल्लाह इतने दिलेर हैं, फिर जालिम तो नहीं है कि आपको देख के छुपे? सर हमारे डॉक्टर साहब आना कि कई बार आप लोगों को देख के आप निकल के आए, वो छुप छुप के देख रहे हैं, वो चले गए मीडिया वाले की। नहीं हम तो यार आप लोगों की शिकायत के लिए, वो डॉक्टर साहब को देख के छुपे होंगे। मेरी बात ये कि कई बार डॉक्टर साहब प्रेस वालों को देख के थोड़े देर घबरा जाते हैं थोड़ा। हम डॉक्टर साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमने कोई इखलाक से गिरी हुई बात की हो? हम तो आवाम की शिकायत, आपकी भी शिकायत है ना कि आपके पास डॉक्टर एक है। आप भी हुकूमत वक्त से शिकायत है ना कि डॉक्टर आपके पास एक है, डॉक्टर ज्यादा हो तो राशि ना हो। एक मिनट खोल देता है। अच्छा ये खुल गया जी, खुल गया। चले डॉक्टर साहब, ये पेशेंट के। अच्छा जी ज्यादा लोग नहीं आए अंदर, ये पेशेंट हो रहा है ये जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे जनाब खैरियत? तो एक्सरे यहाँ पे करते हैं? कितने पेशेंट आपके पास डेली? 150-200। सबका आप यहाँ पे अवकाश या उनकी फीस? 15 रुपये फीस होती है, 15 रुपये होती है, नॉर्मल फीस है। यहाँ पे कोई इसके अलावा कोई लोगों को सिफारिश वारिश वो तो आती होगी? नहीं नहीं, कोई सिफारिश ड्री में कम करते हैं। डॉक्टर साहब आप कह रहे थे यहाँ पे डॉक्टर बैठा हुआ है, ये तो एक्सीडेंट बाद में? सर डॉक्टर वो साथ है, उनको बुला लेते। डॉक्टर साहब मेरी बात सुने डॉक्टर साहब, मेरी गुजारिश सुन लें। बात यह है कि यहाँ पे अब आवाम नहीं है, ठीक है, हम हैं डॉक्टर साहब। ये देखें जी, डॉक्टर साहब मुझे लेके जा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही रेडियोलॉजिस्ट है जी, अभी तक तो मैं ही हूँ रेडियोलॉजिस्ट। सर यहाँ पे कितने पेशेंट आते हैं? हमारे पास 100 के करीब अल्ट्रासाउंड होते हैं और 100-150 के करीब एक्सरे होते हैं डेली के। अच्छा,
सौ डेढ़ सौ के तो पेशेंट आते कितने आपके पास हम तो चेक करते हैं पेशेंट की तादाद जो है ना आने वालों की वो काफी ज्यादा होती है आप लंच करने के विद नहीं मैं तो एक्सरे रिपोर्ट कर रहा था एक्सरे तो यहाँ पे आपका सीट खाली खवातीन तीन तीन दिन से देखे गांव से अपने बच्चे छोड़ के आ रही हैं यहाँ पूछ कोई नहीं रहा यहाँ पे उसके बाद आपका जो स्टाफ बैठा हुआ है ये खवातीन के साथ और जो अटेंडेंस है उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है नहीं हम कोशिश करते हैं कि इन सारे मरीजों को अकामोडेट करें लेकिन कुछ मरीज़ ज़्यादा भी होते हैं ये कन्फर्म बात है कि मरीज़ ज़्यादा होते हैं तो हम कोशिश करते हैं लेकिन हमारे पास दो तीन डिपार्टमेंट है सी टी स्कैन है एक्सरे है अल्ट्रासाउंड है तो डॉक्टर साहब आपको ये लगता नहीं है यहाँ पे खवातीन का अल्ट्रासाउंड करने के लिए यहाँ पे फीमेल डॉक्टर होनी चाहिए फीमेल डॉक्टर ही है हमारे पास खुद कह रहे हैं कि आप एक ही डॉक्टर हैं यहाँ रेडियोलॉजिस्ट हूँ WMO हमारी फीमेल है अच्छा वो कितनी है वो इधर ही अल्ट्रासाउंड वो कितनी है टोटल हमारे पास WMO एक है वो भी एक है वो कहाँ पे अभी अल्ट्रासाउंड कर रहे थे अभी बाहर निकले हैं डॉक्टर साहब आप हमें बार बार ऊपर वाले रिकॉर्ड रूम की बात कर रहे हैं हम आपको जो असल रिकॉर्ड रूम है वो दिखाने जा रहे हैं और ये देखें पीछे नई चेयर्स हैं जो पेशेंट के लिए बैठने के लिए टूटी हुई सर ये है कि साथ साथ बात करते हैं साथ साथ असल रिकॉर्ड रूम की ये जो चीज़ें टूट जाती हैं तो वो एक जगह पर रख के इनको रिपेयर करवा के फिर पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल के लिए हम यूज़ करते हैं बाकी ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वो आपके बंदे भी सामने हमारे उनके लगे हुए हैं तो दो साल पहले आते तब भी लगे हुए थे पीछे देखना पड़ा ये कि हमारा थोड़ा सा गवर्नमेंट से ये है कि ये जो काम चल रहा है कि काइंडली ये काम थोड़ा स्पीडी हो जाए और जल्दी हो जाए ताकि मरीजों को भी परेशानी ना हो डॉक्टर्स को भी प्रॉब्लम्स ना हो और पेशेंट्स के लिए बड़ा अच्छा काम हो मैं दोबारा इस तरफ आता हूँ पहले ये रिकॉर्ड रूम देखिए असर रिकॉर्ड रूम ये दिखाएं जी कैमरा मैंने एक दिखाया मेरा ये पीछे रिकॉर्ड रूम है ये क्या है यहाँ से फाइलें देखिए रजिस्टर्ड आपके पड़े हुए हैं यहाँ पे फाइलें पड़ी हुई हैं रुड़ी हैं ये क्या है सर ये वो चीज़ें हैं ये हमारा गवर्नमेंट का एक रूल है कि 3 साल से ज़्यादा जो चीज़ें पीछे वाली होती हैं तो वो इधर नहीं रखनी चाहिए आप बकौल आपके हाँ। 3 साल 3 साल कम से कम उनका रिकॉर्ड हम रखते हैं अवैध भाई एक फाइल ले आए 2017 की फाइल दिखा दे मुझे 2017 की फाइल जो है यहाँ पे पड़ी हुई है आप 2019 आने वाला है ना ये अब 2016 तक की होनी चाहिए 2015 तक की होनी चाहिए 2017 की यहाँ पे 1 साल पुरानी फाइल मैं वो देखना चाह रहा हूँ अच्छा बात हम कर रहे थे कि यहाँ पे एक गवर्नमेंट ने वो कौन सा इदारा आपका बनाया PM क्या क्या उसका इदारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट PMU PMU उसका क्या काम ये 36 करोड़ PMU जो अपने अंडर वो लगा रही है PMU सर ये PMU एक प्रीवियस गवर्नमेंट में एक इदारा बनाया गया था साबिक गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी ठीक है ना और उसमें ये पूरे पंजाब में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें उन्होंने काम अच्छा ये डॉक्टर साहब वो जो शोर कर रहा था उसकी वो है तो कंडीशन तो सीरियस है ये पेशेंट हमारे पास जब आया था ये गैनी का पेशेंट है अच्छा वो करवाएं यार इनको प्लीज करवा दे यार सीरियस पेशेंट है तो ये पूरे पंजाब में PMU को उन्होंने प्रीवियस गवर्नमेंट ने ठेका दिया है कि अस्पतालों में रिनोवेशन का काम किया जाए और रिनोवेशन का काम ये था कि हमें पहले कहा गया कि 6 से 8 माह में पूरा हो जाएगा मगर बदकिस्मती से अभी 2 साल हो गए हैं अभी तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ जिसकी वजह से हमारे मरीजों को और डेफिनेटली जब ये काम चल रहा है तो आपको प्रॉब्लम तो आते हैं कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उसमें थोड़ी सी सफाई का प्रॉब्लम भी आता है सैनिटेशन का प्रॉब्लम भी आती है और पेशेंट्स के लिए जो डिपार्टमेंट बन रहे हैं अभी अंडर प्रोसेस हैं तो उन डबल जगहों पे पेशेंट चेक हो रहे हैं इस वजह से थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमारा एक DHQ हॉस्पिटल है PMU जो इदारा है 36 करोड़ रुपया उसके अंडर लग रहे हैं 2 साल से देख रहे हैं अब आम रसवा हो रही है यहाँ पे डॉक्टर साहब हॉस्पिटल है यहाँ पे लोग आपके पास आते हैं सेहत याब होने के लिए यहाँ पे आग लगाई हुई है बाहर यहाँ पे नौमलूद बच्चों की लाशें मिल रही है आपके नोटिस में है ना यहाँ पे ये गंदगी के ढेर एमरजेंसी के बाहर यहाँ पे चले ठीक है मैं वो रिकॉर्ड आ गया वो ये रिकॉर्ड आ गया ये रजिस्टर देखे जी ये अटेंडेंस देखे कब किए ये देखे ना ये 2009 का है रजिस्टर है ना अटेंडेंस मैंने आपको पहले बताया कि सर ये फाइल कब किए जी
ये 2017 की फाइलें नहीं है, ये हॉस्पिटल की फाइलें नहीं है, किसी की प्राइवेट चीजें हैं, ये हॉस्पिटल की फाइलें नहीं है, बार बार बता रहे हैं। ये यहाँ पे क्या लेने आती हैं? ये कुछ ये देखो मेरी बात सुनो ना, ये कुछ लोग बाहर खुद फेंक देते हैं, उसके साथ हॉस्पिटल का ताल्लुक नहीं होता। और ये जो आप फाइल ये अलमारियों में सजा के तो लोग नहीं रखे जाते ना, अलमारियों में से निकाले, ठीक है ना, इन अलमारियों में तो नहीं, नीचे पड़े हुए यार, अपने नीचे तो कैमरा नहीं है, कैमरा शायद उधर फाइलें तो नहीं है, ये वो चीजें हैं जो डिस्कार्ड की गई हैं, ये इसीलिए। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब अब मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं वेस्ट करूंगा, आपने लोगों को देखना है, पेशेंट्स को देखना है, लोगों के मसाइल सुनने होंगे, डीएमएस का काम है सर। अच्छा एक मिनट, वो कह दिया यार, वो बंदा भेज दिया डॉक्टर साहब ने, आपका चेकअप नहीं करते तो दोबारा आ जाए। अच्छा अब ये जो सिचुएशन, ये जंगल जो है यहाँ पे, ये जो रद्दी, मैं मान लेता हूँ ये भी बात मान लेता हूँ, ये अल्ट्रासाउंड की जो चीज़ें पड़ी हुई हैं सारी चीज़ें, ये रद्दी का एक टोकरी, मैं मान लेता हूँ सारी चीज़ें कि आप रिकॉर्ड, लेकिन रिकॉर्ड रूम जो है ये इस तरह बाहर जाया करना, या तो इनको कहीं बाहर फेंक देना हॉस्पिटल के अंदर, आग लगा देना, ठीक है। ये देखिए ये बच्चा एक लेके आया, ये देखिए ये टेंडर्स है, ठीक है, ठीक है ये देखें, ये है आपकी ठीक है। हॉस्पिटल में कंस्ट्रक्शन का जो काम हो रहा है, जो चीजें डिस्कार्ड करने वाली थी ये उन्होंने कमरों से निकाल के जाके, वैसे सर विद सॉरी आप वकालत कर रहे हैं, आप 3 साल पुराना अगर किसी को जरूरत पड़ जाएगी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, ये 3 साल पुराना रिकॉर्ड, मतलब आप समझते हैं कि जब पाकिस्तान की पार्टीशन हुई है, जमीनों के डॉक्यूमेंट्स अब इधर से उधर हो जाए तो लोग लड़के मर जाए, उनकी जमीनें जो है रिकॉर्ड रखने के लिए, 15 साल का रिकॉर्ड, 20 साल का रिकॉर्ड रखने के लिए हमारे हॉस्पिटल में जगह नहीं है, हमें गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है हमने उसको चलना है। ये डिस्ट्रिक्ट, ये दिखाएं जी, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की है, ये दो मेरी बात सुने, ये 2017 की है, ये मेरी सुने ना, ये किसी दाखिल मरीज, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ये फाइल 2017 की है या नहीं, नहीं ये मरीज, ये दिखा दें जी हॉस्पिटल की फाइल है, ये फाइल ये पड़ी हुई जी, ये रद्दी की टोकरी है, ठीक है। अब मुझे मेरा सवाल जो है असल पे आ जाए कि ये यहाँ पे माहौलियात सेहत के लिए, इंसानी सेहत के लिए आग लगाना जुर्म है या नहीं है, या सेहत के लिए मुझे सेहत है या नहीं? देखिए वो डिपेंड करता है कि आग पे, आग कितनी बड़ी है, अगर तो बहुत ज्यादा आग है तो नुकसान का रहा है डेफिनेटली। आप भोले हैं या आप मुझे भोला बना रहे हैं? मैं ना आपको भोला बना रहा हूँ, ना मैं वो कोशिश कर रहा हूँ, आप जो उसको मतलब लेना चाहते हैं वो आप ले लें। देखिए हमारा ये मकसद नहीं। अच्छा दूसरा, पिछले दिनों किंग मेडिकल एडवर्ड कॉलेज के प्रिंसिपल ने बड़ा वो सख्ती से कहा कि गाउन पहन के इस तरह जाए, ये जीन्स इस तरह पहन के आना, ये कोई है? डॉक्टर का कैसे पता चलेगा कि आप डीएमएस हैं? सर डॉक्टर्स के लिए गवर्नमेंट ने आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिए हुए हैं, ये कार्ड मैंने पहना हुआ है, आप ये कार्ड देख सकते हैं। गाउन दुनिया के दूसरे मुल्कों में खत्म होता जा रहा है, हमारे मुल्क में, हम अपने पाकिस्तान में ना, हम दूसरे मुल्कों की क्यों मिसाल दें यार? ये कि हमारे जितने भी स्टाफ काम कर रहा है, जो वर्किंग स्टाफ है, उनके पास हॉस्पिटल के कार्ड भी मौजूद है। ये मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, ये वहाँ पे किंग मेडिकल एडवर्ड कॉलेज में गवर्नर पंजाब के, उन्होंने जाके कहा कि गाउन जरूरी है। देखिए वो किंग एडवर्ड वालों की, मैं उनकी अपनी पॉलिसी है, मैं उनकी बात नहीं कर सकता। ठीक है जी, गवर्नर और किंग एडवर्ड वाले बेकार हैं सब लोग, डॉक्टर साहब के बकौल, डॉक्टर साहब वकालत कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं हॉस्पिटल की फाइलें जो है, ये एक रद्दी की टोकरी है और 1 साल पुरानी फाइलें हैं, ज्यादा नहीं है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं 3 साल पुरानी है। ये DHQ कसूर की सिचुएशन, हालत आपने देखी, मुझे तरस आया आवाम के ऊपर, डॉक्टर साहिबान के भी ऊपर आया, क्योंकि इनके पास वो स्टाफ पूरा मौजूद नहीं है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा हुकूमत पंजाब से, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, जो CM साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो वादे किए हैं कि यहाँ पे भी इनको डॉक्टर्स की तादाद बढ़ाई जाए, पैरामेडिकल स्टाफ जो है, और उसको चेक किया जाए कि यहाँ पे जो अनक्वालिफाइड जो स्टाफ है वो कैसे काम कर रहा है, डिस्पेंसर जो क्वालिफाइड नहीं है वो कैसे अंदर पेशेंट्स को चेक कर रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, DHQ की सिचुएशन आपने देखी कि वहाँ पे क्या सिचुएशन थी। अब हम CEO हेल्थ कसूर डॉक्टर जावेद अहमद गुराया साहब के ऑफिस पहुँच चुके हैं, और डॉक्टर जावेद गुराया साहब से पूछते हैं कि ये इतना कुछ हो रहा है यहाँ पे, ताई डॉक्टर्स जो है उनकी भरमार है यहाँ पे हॉस्पिटल्स के अंदर, क्या हो रहा है, वो क्या कहते हैं?
ظاہر ہے سی او ہیلتھ جو ہے وہ پورے ڈسٹرکٹ کو دیکھنا ہوتا ہے، ان کے پاس شکایات لوگ لے کے آتے ہیں، بہت سارے ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف اینڈ ادر بہت سارے پولیٹیشینس جو ہوتے ہیں ان کو بھی ڈیل کرنا ہوتا ہے، پبلک کو بھی ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر گستاخی نہ سمجھیں تو اس وقت وہ بزی ہیں، میں ان کے دو منٹ صرف لوں گا۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، جناب خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہے لاسٹ ٹائم کب وزٹ کیا؟ میں نے جو اس کو کل بھی وزٹ کیا ہے، اور میرا اکثر وزٹ ہوتا رہتا ہے، ویک میں کوئی ایک دو دفعہ ضرور وزٹ ہوتا ہے۔ کی حالت جو ہے وہ دیکھی، آپ نے ایم ایس ایف کو کہا کہ وہاں پہ اسٹاف کی بھی کمی ہے، وہ سچویشن جو ہے وہ آپ نے دیکھی ہو؟ ہاسپٹل کے حالات جو ہے نا بہت اچھے ہیں، وہاں پہ ہمارا اسٹاف بھی پورا ہے، وہاں پہ ہمارے ڈاکٹرز کی سیٹیں بھی کورڈ ہیں آلموسٹ ساری کی ساری، اور وہاں پہ میڈیسن بھی اویلیبل ہے۔ کبھی کسی پیشنٹ نے ہمیں اس طرح اس لیول کی کمپلینٹ کبھی نہیں کی کہ جس پہ ہم کہیں کہ جی ہاسپٹل میں تو بہت سارا مسئلہ ہے۔ اس گورنمنٹ نے خصوصی طور پہ اس پہ بڑی توجہ دی ہے، اور ڈپٹی کمشنر صاحبہ، سی او ہیلتھ، ایم ایس اور باقی سارا اسٹاف، وہاں کے ڈاکٹر سارا اور باقی پیرامیڈیکل اسٹاف، نرسنگ اسٹاف، سارا عملہ جو ہے بہت اچھی طرح کام کر رہا ہے۔ کبھی میرے پاس ادھر کوئی بہت زیادہ، یعنی میں کہتا کہ بالکل نہیں، کبھی ایک بار کبھی کوئی کمپلینٹ شاید آئی ہے، ورنہ ہاسپٹل سے شکایات کے انبار لگا دیا جی، کمپلینٹ بالکل نہیں کبھی آئی۔ آج تو ہم گئے ہیں تو وہاں پہ شکایات کے انبار لگا دیا۔ خیر یہاں پہ جو لوگ شکایت کرتے ہیں نا، انہوں نے کبھی ہمارے پاس آ کے شکایت نہیں کی۔ میں تو جب بھی وہاں ہاسپٹل میں گیا ہوں، ڈپٹی کمشنر صاحبہ جاتی ہیں ہاسپٹل میں، ہر ایڈمیٹڈ مریض جو ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے ہاسپٹل سے۔ اویئرنیس نہیں، ان کو اویئرنیس نہیں ہوگی نا کہ کہاں پہ جانا ہے شکایت لے کے، شاید ان کو نہیں ہوگی۔ اچھا قصور کے اندر ڈاکٹر صاحب، عطائی ڈاکٹر جو ہے ان کی بڑی بھرمار ہے، اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آج ایک آپریشن کیا جائے آپ کی سربراہی میں، کہ ایسے جو ڈاکٹرز اور ایسے جو میڈیکل اسٹور ہیں جہاں پہ انکوالیفائڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پکڑا جائے، ان کو قانون کی گرفت میں ہونا چاہیے۔ اچھا اس سلسلے میں یہ ہے کہ عطائی ڈاکٹروں کے خلاف محکمہ صحت جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ہے وہ پوری کارروائی کر رہی ہے۔ ہمارے جو ہر تحصیلوں میں ڈرگ انسپیکٹر ہیں، ڈسٹرکٹ ڈرگ کنٹرولر ہیں، ہمارے ڈی ڈی ایچ اوز ہیں، وہ کویکری کے اگینسٹ پوری بھرپور کارروائی کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے مطابق، اور اسی طرح جو ہیلتھ کیئر کمیشن کی ڈائریکشنز ہیں۔ اچھا بالکل ایسے کر رہے ہیں آپ، لیکن کچھ ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ وہاں پہ ابھی قصور شہر کے اندر ایسا کام جاری ہے، تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ یا اپنی ٹیم بھیجیں یا آپ خود تشریف لے کے چلیں، تاکہ ہم جو ہے ان کو جو ہے آپ کے سامنے بے نقاب کر سکیں۔ نہیں جی، وہ آپ جو کر رہے ہیں وہ بالکل اچھی بات ہے، بالکل کریں، اگر کوئی ایسی چیز ہمارے نوٹس میں آئے گی تو اس پہ ہم کارروائی کریں گے۔ ابھی آپ کو ٹیم یا آپ خود ہمارے ساتھ جا رہے ہیں؟ میں تو خیر ذاتی طور پہ تو اس وقت نہیں جا سکتا، ہماری ڈی پیک کی میٹنگ ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ کوئی آپ کے ساتھ نمائندہ اگر جا سکتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ بھی۔ اچھا ٹھیک ہے جی، یہ سی او صاحب کوشش کریں گے کہ ساتھ کوئی ہمارے بھجوا سکیں ایسی ٹیم کہ ہم وزٹ کر سکیں اور بے نقاب کر سکیں ایسے لوگوں کو جو اس گھناؤنے دھندے میں ملوث ہیں۔ ڈاکٹر جاوید گورایا صاحب، سی ای او ہیلتھ قصور، انہوں نے تو ایک جو ہے وہ ٹیم تشکیل دے دی جس میں ڈرگ انسپیکٹر تھا کہ جا کے عطائی ڈاکٹروں کے خلاف باقاعدہ آپریشن کیا جائے، کیونکہ سی او صاحب نے کہا جی ہم نے تو ڈپٹی کمشنر کی میٹنگ میں جانا ہے، لیکن وہ ڈرگ انسپیکٹر اتنا با اثر ہے کہ سی او صاحب کے کہنے کے باوجود ان کی جو سی او صاحب کا عملہ ہے انہوں نے بھی کہا، لیکن وہ آئیں بائیں شائیں جو ہے کرتا، ہمارے نمائندے نے بھی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے یہی کہا کہ میں آ رہا ہوں، کر رہا ہوں، مطلب سی او صاحب کا حکم جو ہے وہ بھی ردی کی ٹوکری میں، ہمارے جو باقی لوگ ہیں ان کا بھی۔ میں اب خود کوشش کرتا ہوں کہ شاید رانا متین ڈرگ انسپیکٹر میری کال اٹینڈ کر لیں اور میری بات ہو سکے ان سے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اگر کال اٹینڈ ہو گئی تو ناظرین آپ بھی سنیے گا کہ رانا متین ڈرگ انسپیکٹر کیا کہتے ہیں۔ میں اب ان کا نمبر ملا رہا ہوں، رانا متین، یہ بیل جا رہی ہے جی، رانا متین جو ڈرگ انسپیکٹر قصور ہے ان کے نمبر پہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اتنی کالز کے بعد، اب سمجھ سے بالا تر بات ہے کہ ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں مختلف جگہوں سے سفارشیں کیوں کروائی جا رہی ہیں، بالآخر رانا متین جو ڈرگ انسپیکٹر ہے ان کا اس میں لالچ کیا ہے، وہ کیوں ہمیں سفارشیں کروا رہے ہیں اور کیوں جو ہے عطائی ڈاکٹروں کے خلاف آپریشن نہیں کروا رہے، حالانکہ ہماری یہ کال اٹینڈ نہیں کر رہے۔ میں دوبارہ پھر ان کو کال ملواتا ہوں، حالانکہ ہمارے جتنے ادارے ہیں، ہمارے آنریبل کورٹس جو ہیں انہوں نے بھی واضح احکامات، چیف جسٹس صاحب نے اسپیشلی اس پہ بڑا ایکشن کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خلاف جو ہے ایکشن کیا جائے، لیکن ڈرگ انسپیکٹر جو ہے سمجھ سے بالا تر بات ہے کہ کس کی ایما پہ جو ہے وہ
आना ही नहीं चाहते बल्कि सिफारिशों पे सिफारिशें जो है वो करवाए जा रहे हैं। बिलाकर इसके पीछे हकायक क्या है वो हकायक जानने के लिए ही हमने कॉल की, लेकिन राणा मतीन ड्रग इंस्पेक्टर अब हमारी कॉल भी नहीं ले रहे। ये मैं 2 घंटे इंतज़ार के बाद उनको कॉल कर रहा हूँ, नहीं अटेंड कर रहे जी, बार बार कॉल भी कर रहा हूँ वो कॉल अटेंड नहीं कर रहे। अब हमारे साथ यहाँ पे लॉयर हैं जो बड़े स्पेशलिस्ट हैं, ऐसे एक मिनट दीजिएगा सर, वो जो बड़े स्पेशलिस्ट हैं इनके ला जो है मेडिकल का उसको समेटे हैं, मैं उनसे जानता हूँ कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं, इस सारे जो मामलात हैं उसको वो किस एंगल से लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे अपना नाम सबसे पहले बताइए। जी मेरा नाम इमरान असगर, एडवोकेट है और मैं लाहौर हाई कोर्ट की प्रैक्टिस करता हूँ और स्पेशली ड्रग कोर्ट लाहौर की। इमरान असगर एडवोकेट भाई, आपके सामने सिचुएशन है, आप भी देख रहे हैं कि यहाँ पे आज हमने DHQ हॉस्पिटल विज़िट किया, लोगों की शिकायत के अंबार थे, समय से बालातर बात है कि यहाँ पे साबक जो आपके चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे हैं बारह दफ़ा मुख्तलिफ तरीक़ों से वो यहाँ पे छापे मारते रहे। उसके बाद मैं बात करूँ नए आने वाले चीफ मिनिस्टर की तो उन्होंने और मिनिस्टर हेल्थ ने भी छापे मारे, लेकिन ये टस से मस नहीं हो रहे। बात करूँ मैं यहाँ पे अताई डॉक्टर्स की तो भरमार है, 2.5 लाख पंजाब में इन्होंने कहा जी कि अताई डॉक्टर हैं, ये वो है जो तादाद में है, जहाँ से नर्सरी इनकी होती है वो उनकी तादाद तो वो ला तादाद ही है, तो 18,000 पकड़े गए। बिल आखिर CEO साहब के हुक्म के मुताबिक भी जो टीम तश्कील देगी जिसकी सरबराही जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर राणा मतीन ने करनी थी, जो कॉल भी नहीं ले रहे, जो आ भी रहे, हकायक क्या है? असल में हमें पहले तो बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का कि जिन्होंने इस अताइयत के मौजू पे सो मोटो एक्शन लिया। अब उस सो मोटो एक्शन लेने के बाद वाजे तौर पर कहा गया है कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन अपनी जितनी भी पब्लिक फंक्शनरीज हैं उनके साथ मिलके पूरे पंजाब में ऑपरेशन करेगा। अब यहाँ पे जो ऑपरेशन किया जा रहा है उसमें इनकी खुद ये मुलव्वस हैं, उसमें ये चंद लोगों को पकड़ते हैं, बाकी काम उसी तरीके से चल रहा है। अब हमारा यहाँ पे एक जो पेशेंट के साथ ज़्यादती हुई उसके हवाले से हम लोगों ने 12 एप्लीकेशंस दी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को दी। मेरा सवाल ये है, मैं उसके बाद आऊँगा, मेरा सवाल ये है कि ये ड्रग इंस्पेक्टर राणा मतीन जो है बिल आखिर वहाँ पे हम जो अताई डॉक्टर्स हैं जो नॉन क्वालिफाइड स्टाफ उनका बैठा हुआ है वहाँ पे हमारे साथ क्यों जाने से गुरेजा है? देखिए ये तो साफ बात नज़र भी आ रही है कि जब एक पब्लिक सर्वेंट अपनी जो ड्यूटी लॉ में उसको तफवीज़ की गई है उसको पूरा नहीं करता तो उसका ज़रूरी उसके अंदर कोई हिस्सा होगा, वो करप्ट ऑफिसर है, वो इसकी करप्शन की खातर और जो उसने ठेके लोगों के साथ किए हुए हैं अगर वो उधर जाके कार्रवाई करेगा तो उसके तो ठेके। CEO साहब ने ऑनलाइन कहा, उनको हमारे सामने कॉल कही, CEO साहब के अहकाम भी हवा में उड़ा दिए उसने। देखिए ये लोग अपनी रिश्वत लेने की खातर हर हद तक जाते हैं, मतलब CEO साहब उनके ऑफिसर हैं, उनके अहकाम कुछ नहीं माने रखते। देखिए मौजज़ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है, जब सुप्रीम कोर्ट के अहकाम को हवा में उड़ा दिया जाएगा तो CEO साहब तो एक छोटे से ऑफिसर हैं, उनको क्या परवाह है इन चीज़ों की, उनको तो परवाह है कि उनकी जेब में कितने पैसे आ रहे हैं और वो लोग जो उनकी जेब में पैसे डालते हैं उनको प्रोटेक्ट कैसे। अच्छा ये कानून है, आप जिस तरह ड्रग कोर्ट में जाते हैं ड्रग कोर्ट के मुताबिक जो कानून है पाकिस्तान का उसके मुताबिक ये जो अताई डॉक्टर है इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए और कितनी गुंजाइश है जो कानून है उसके? देखिए पहली बात तो ये कि जो कानून कहता है वो ये कहता है कि एक MBBS डॉक्टर उसका क्लिनिक उसमें क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए, उसके अंदर जो बनी हुई लेबॉरटरीज हैं वो पैथोलॉजिस्ट रन कर रहा हो और उसके अंदर जो फार्मेसी बनी हुई है उसका लाइसेंस बकायदा तौर पे इन अथॉरिटी से जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो इंस्पेक्शन करके चीफ ड्रग कंट्रोलर जारी करे। अब यहाँ पर जो सूरत हाल चल रही है हर MBBS डॉक्टर और हर क्लिनिक उसके अंदर अद्वियात का मिसयूज़ हो रहा है, उसमें पता कोई नहीं है ड्रग इंस्पेक्टर साहब को कि वहाँ पे अनरजिस्टर्ड अद्वियात हैं, वहाँ पे जिंसी अद्वियात हैं, वहाँ पे जो नशावर अद्वियात हैं उनकी फरोख्त कैसे जारी है।
तो क्या हुआ बेटा आपके साथ? सर जी मुझे नज़ला ज़ुकाम बुखार था, ठीक है, खांसी बुखार। तो हम दोनों भाई जा रहे थे तो हमने देखा तो इनकी ना फ्लैक्स पड़ी, तो हम अंदर चले गए। हम अंदर जाकर उन्होंने बोला सामने से पर्ची बनवाओ। हमने क्या नाम था डॉक्टर का? डॉक्टर का नाम ये मेरे फैसल। क्या कह रहे जी? फैसल अजीज सर, मैं इसका बड़ा भाई हूँ। अच्छा, डॉक्टर फैसल अजीज। हाँ जी, तो उन्होंने बोला सामने से पर्ची बनवाओ। हमने 500 की पर्ची बनवाई है। नर्स आई है हमें साथ अंदर ले गई, तो डॉक्टर ने मुझे चेकअप किया है, लुपिया वगैरह जो भी लगाई है, ठीक है। तो उन्होंने ना पर्ची वगैरह एक्सरे मेरे चेक किए साथ में, तो पर्ची बना दी वगैरह, बाइट से मेडिसिन ले लो। तो हमने पूछा डॉक्टर साहब ये मुझे बताओ मुझे मसला क्या है? उन्होंने बोला बेटा आपको ना टीवी है। तो उसके बाद मैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया। तो फिर बाद में मेरे भाई को ही पता है सब कुछ, भाई था साथ में। क्या हुआ फिर? सर अस्सलाम वालेकुम सर, इन्होंने टीवी इनको बता दी है तो मेडिसिन लिख दी है हमें। उन्होंने कहा कि हमारी अंदर ही दुकान के अंदर ही फार्मेसी है उनकी, उन्होंने कहा इधर से ये टैबलेट ले लें आप। सर उन्होंने 2900 रुपये की ये टैबलेट दी है, जो उन्होंने बोला है कि सुबह खाली पेट 3 टैबलेट बच्चे को देनी है। जब सर हमने बच्चे को सुबह खाली पेट 3 टैबलेट दी है, तकरीबन आधा या पौना घंटा लगभग सर उसके दौरान ही बच्चे को काफ़ी ज़्यादा एलर्जिक शुरू हो गई है। उसके बाद सर एलर्जी के बाद कह नहीं शुरू हो गई है, उसकी तबीयत बिल्कुल नासाज हो गई सर। तो मैं अभी दुकान पे जाने ही वाला था, जब मैंने इसकी तबीयत देखी तो फौरी उठा के सर इसे मैं DHKU हॉस्पिटल ले गया एमरजेंसी। उसके बाद डॉक्टर साहब ने एमरजेंसी में पर्ची बनवाई है सर, चेकअप किया तो टीके वगैरह लगा के उन्होंने इसकी तबीयत कवर की है सर। उसके बाद उन्होंने कहा क्या बच्चे को क्या दिया? मैंने कहा सर ये टैबलेट दी है बच्चे को। उन्होंने कहा तो ये तो टैबलेट टीबी की है, तो आप 2 नंबर कमरे में टीबी का डॉक्टर बैठता, आप उसके साथ जाके ना बात करें। जब टीबी के डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने चेक किया, एक्सरे वगैरह चेक किया, उन्होंने कहा बच्चे को टीबी नहीं है। लेकिन है क्या इनको बच्चे को टीबी नहीं? जुकाम सर, हल्का फुल्का नजला जुकाम खांसी आम मौसमी हो जाता है। तो हमने समझा कि कितनी देर पहले की बात? तकरीबन सर 20-25 दिन हो गया सर। तो जब उन्होंने कहा कि सर टीबी नहीं है, किस बेवकूफ डॉक्टर ने आपको ये टैबलेट दे दी है? बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, कोई साइड इफेक्ट कर देती, उसका जिम्मेदार कौन है? तो सर हमने घर आके अपने वाले साहब को बताया, तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप एक दफ़ा गुलाब देवी लोड चेस्ट हॉस्पिटल पता कर लें। जब सर हम गुलाब देवी हाँ ये देखे सर, अच्छा सर हमने उधर जाके चेकअप करवाया एक प्रोफेसर साहब से, तो उन्होंने कहा कि बच्चे को कोई टीबी नहीं है, हल्की फुल्की गले की खराब खराश की वजह से खांसी आ रही थी, तो आप जाके बच्चे को सिर्फ पानी में नमक डाल के गरारे कराएं। सर हम उनके पास गए डॉक्टर फैसल अजीज साहब के पास, तो उनका सर ये बिहेवियर मैंने बताया कि सर ये देखे आपकी दवाई से बच्चे की तबीयत खराब हो गई है। तो सर उन्होंने धक्के मार के बाहर निकाला, ऊपर से कहा जाओ जो होता है कर लो। मैं भाई वो उसने ठीक कहा ना, आज अगर ये वो ऐसा कानून होता तो आज ड्रग इंस्पेक्टर हमें जाता और क्लिनिक सबसे बड़ी क्लिनिक पे जाता और उसको क्लिनिक को सील करता और उसको जुर्माना करता, क्योंकि एक आम MBBS डॉक्टर जो है वो इतनी हैवी किस्म की वो इसका कार्ड विजिटिंग कार्ड यहाँ पे देखा था जी, मुझे विजिटिंग कार्ड दिखाएं जिसके ऊपर लातादाद किस्म की बीमारियों का इलाज लिखा हुआ है, कि एक डॉक्टर जो है वो जिस तरह हकीम जो लिखते हैं कि फलां बीमारी का इलाज, फलां बीमारी का इलाज, फलां बीमारी का इलाज, वो 200 बीमारियां जो है उनका एक डॉक्टर साहब जो सादा MBBS डॉक्टर हैं उन्होंने बता दिया। क्या कह रहे हैं सर? ये देखें सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है सर, हुकूमत की तजवीज करदा दवाई जो फ्री दी जा रही है लोगों को सर, ये 2900 रुपए की हमें फरोख्त की है उन्होंने। नहीं, जब मेरी बात सुने, क्या आपको लगता है कि ऐसे डॉक्टर जो है उनसे जो इंस्पेक्टर ड्रग इंस्पेक्टर कसूर है राना, तीनों पैसे लेते हैं? जारी बात है सर, अगर वो राना जो एक्शन नहीं जो ले रहे तो जारी बात है वो पैसे लेते होंगे सर। ऊपर से देखें एक्शन नहीं ले रहे तो ऊपर से हुकूमत की तजवीज़। आप जो मिनिस्टर हेल्थ हैं आपकी, बड़ी तगड़ी मिनिस्टर हैं, बड़ी वर्किंग करती हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब, उनसे क्या कहना चाहेंगे ऐसे ड्रग इंस्पेक्टर ऐसे डॉक्टर्स के हवाले? उनसे ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे डॉक्टर को सेल किया जाए, उनके इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये मुहज्जब डाकू है सर, ये मुहज्जब डाकू है जो अपनी दुकान के अंदर बैठ के अच्छे कपड़े पहन के लोगों को लूट ले हैं सर। इनके साथ बंदा झगड़ा भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये अपनी डिग्रियां जाहिर कर रहे हैं जो कि बिल्कुल नाजायज़ है सर। सिर्फ इतना कार्रवाई ना काफी है, बल्कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके कानून के शिकंजे में होना चाहिए, सलाखों के पीछे होना चाहिए, और ऐसे ड्रग इंस्पेक्टर जो ऐसे अताई डॉक्टरों के खिलाफ और ऐसे जो डॉक्टर्स जो हजारों बीमारियों का इकट्ठे इलाज लिख देते हैं कि हम इनका भी इलाज कर सकते हैं, जो कि उनके पास डिग्रियां नहीं होती, वो जाली डिग्रियां लिख के वो इलाज मुआवजा करते हैं, ऐसे डॉक्टर्स को भी सलाखों के पीछे होना चाहिए, वो ऐसे इंस्पेक्टर जो है ड्रग इंस्पेक्टर इनके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राना तीन जो ड्रग इंस्पेक्टर कसूर, जो कि एक इतने तगड़े ड्रग इंस्पेक्टर है कि उनके CEO हेल्थ कसूर जो है उनको एकामात जारी कर रहे हैं, उनको कॉल कर रहे हैं कि टीम के साथ आप जाएं और जाके जो अताई डॉक्टर हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन करें, वो मेडिकल स्टोर जहां पे नॉन क्वालिफाइड जो है वो लोग बैठे हुए हैं उनके पास जाएं और ऑपरेशन करें। लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर राना मतीन जो है
वो कॉल सुनना ही बंद कर दी। हम 3 घंटे हो गए इंतजार कर रहे हैं, ना वो ऑफिस से कॉल ले रहे हैं ना हमारी कॉल ले रहे हैं। ये सिचुएशन थी। इसके बाद मैं पहले आपको दिखाया कि जो यहाँ पे DHQ हॉस्पिटल है उसकी सिचुएशन क्या थी, उसकी हालत ज़ार पे रो ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बिल्कुल लाहौर के करीब 3 DHQ हॉस्पिटल है जहाँ पे इंतजाम ना होने के काफी सब अच्छा नहीं है हेल्थ में। ये खान साहब, आपने जो आवाम से वादे किए हुए हैं वो बिलाकर आपको पूरा करने पड़ेंगे। वो आवाम जो है वो आपसे बहुत सारी तवक्कात रखती है। अगर यही लोग, यही वो चंद लोग, मुट्ठी भर लोग जो अपने वो रिश्वत लेके वो बराज मांग बैठे हुए सीटों पे, अगर यही रहे तो यकीन कीजिए आपकी हुकूमत को ये नहीं चलने देंगे। जो आपने वादे किए हुए हैं आवाम के साथ वो नहीं आप पूरे कर सकेंगे। आपने डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जैसी अच्छी ईमानदार मिनिस्टर तो बना दी, लेकिन नीचे राने मतीन जैसे ड्रग इंस्पेक्टर जो है उनका सफाया बहुत ज़रूरी है, बल्कि इंतहाई ज़रूरी है, बल्कि उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, चीफ मिनिस्टर पंजाब और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो कि मिनिस्टर हेल्थ है, वो फिल फॉर एक्शन करके इस तरह के डॉक्टर, जो ये डॉक्टर फैसल अजीज जो है, इस तरह के डॉक्टर्स और जो ड्रग इंस्पेक्टर राना मतीन जो कि करप्ट, लोगों ने कहा कि करप्ट है, पैसे लेता है, ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। लेकिन हम इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हम इंशाल्लाह ताला जो ऐसे लोग हैं इंशाल्लाह अनकरीब जो है इसको फॉलोअप देंगे और यहाँ पे जो अताई डॉक्टर्स हैं, अताई डॉक्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। और ना सिर्फ कसूर बल्कि पंजाब पाकिस्तान के जहाँ पे भी अताई डॉक्टर है वहाँ जाके इनको इनके अंजाम तक पहुँचाएंगे। इसके साथ ही आज तक के प्रोग्राम शिकायत से अपने मेज़बान इजाज़ डोगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।